प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। ना ना, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स ही हैं। सोचो, जो सीरियल अब बस उसके सोशल मैसेज के लिए जाना जाता है, उस तारक मेहता ने कौन सी ऐसी गलत चीज दिखाई होगी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हम सबके चहेते जेठालाल और दया भाभी। पर आज इल्जाम उन पर भी लगेगा जो हर इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। जी हाँ, अनुपमा जी भी फैक्ट भाई के कटघरे में शामिल है। अब वो किस लिए, ये जानकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो भाई लोग, ले लो हाथों में रिमोट और फैक्ट भाई के संग जानो कि कैसे ये टीवी सीरियल्स आपको बुरी आदतें लगाने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि क्राइम पेट्रोल, जो बनाया तो जुर्म का सफाया करने के लिए था, पर उसे देख लोगों ने जुर्म करने शुरू कर दिए। कैसे, आइए जानते हैं। नंबर वन, एकता का कहर। एक आम हिंदुस्तानी औरत दिन के 3 घंटे से ज्यादा टीवी देखती है, वहीं दूसरा स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 6 में से 5 औरतें रेप होने पर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती। क्या आपको दोनों ही डेटा में कोई कनेक्शन दिखा? इसे समझने के लिए हमें एकता कपूर के सीरियल के कुछ सीन्स देखने होंगे। पहला सीरियल ये है मोहब्बतें, जिसमें अशोक खन्ना न सिर्फ मेका के साथ जोर जबरदस्ती करता है, इतना ही नहीं, खुद सीरियल के हीरो को खुद अपनी बीवी का रेप करते हुए दिखाया। दूसरा सीरियल है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें 15 मिनट के जोर दोस्ती वाले सीन में एक पति अपनी पत्नी पर इसलिए हावी होता है क्योंकि उससे वो अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहती थी। अब आप ही सोचिए, जब एक औरत 3 घंटे से ज्यादा टीवी पे ऐसा कंटेंट देखेगी तो उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा कि पति का पत्नी पे इस तरह हक जमाना एक आम बात है। शायद इसीलिए आज 6 में से 5 औरतें ऐसे मामलों में चुप रहती हैं। यानी पहले ऐसी चीजें टीवी से हटाओ और असल मुद्दों पे बात करो। नंबर 2, कौन रहेगा सतर्क। एक बच्चे ने अपनी माँ की मदद से बाप की हत्या कर दी, लेकिन इस कहानी में कोई और भी शामिल था, क्राइम पेट्रोल। आज देश भर में ऐसे कई किस्से बने हैं जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ क्राइम पेट्रोल है। ऐसे में 32 साल के दिलीप कुमार की घटना सामने आती है। इन भाई साहब ने अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए पड़ोसी के बेटे को अगवा किया था और बदले में फिरौती के तौर पर 10,000 रुपए मांगे, लेकिन उस बच्चे के पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और दिलीप जल्द ही पकड़ा गया। जब उसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने क्राइम पेट्रोल का नाम लिया और ऐसे ही पैसों की कटौती की वजह से क्राइम पेट्रोल को हमेशा देखने वाले मुनीर ने 12 साल के बच्चे को किडनैप किया, मगर प्लान बिगड़ता देख मुनीर ने उस बच्चे को मारने का फैसला लिया। हालांकि मुनीर भी जल्द ही पकड़ा गया। ऐसी कंट्रोवर्सी सावधान इंडिया से भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में रहते मोहम्मद फैज ने अपने ही इलाके में 2 लाख से ऊपर की चोरी की थी, वो भी बस शो और यूट्यूब वीडियो देख कर। यानी कहीं ना कहीं क्राइम से वाइड करता ये शो नए क्रिमिनल्स भी पैदा करता है। नंबर 3, हमें तुमसे प्यार कितना। ये गाना सुनकर कई लोगों को करणवीर वोरा की याद आती होगी, और क्यों ना आए। 326 एपिसोड के साथ 2 साल चलने वाले इस सीरियल ने IMDb पर 8.1 की रेटिंग हासिल की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सीरियल का विराज डोबरियाल समाज पे क्या छाप छोड़ता है? कहने को तो ये सीरियल डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है, पर फिर यूट्यूब पर विराज डोबरियाल लिखने पर सिर्फ वायलेंस के सीन ही क्यों? इतना ही नहीं, विराज डोबरियाल के 2 फैंस पेजेस तक बनाए गए हैं। हालांकि करणवीर वोरा की माने तो उनकी सीरियल असल में एक मैसेज देती है और कुछ नहीं, पर अगर इस सीरियल की शुरुआत ही देखें तो इन्होंने विराज को कॉकरोच वाला दूध पीते दिखाया है। इतना ही नहीं, जब सीरियल की हीरोइन किसी लड़के के साथ दिख जाती है तो विराज उसे मारता है और उसका रेप तक करता है। यानी मेकर्स के मुताबिक जब तक आप हीरोइन को स्ट्रांग नहीं दिखाओगे तो उसकी डोमेस्टिक वायलेंस की लड़ाई कैसे दिखेगी? मतलब ये मुद्दा रोकना है या फिर से दिखाना है? नंबर 4, पिया की रखवाली। एक दूध पीते बच्चे को सुहागरात का दूध पिलाया जाए तो ये नादानी वाली बात पहरेदार पिया की सीरियल ने हकीकत में बदल दी। इस सीरियल में 9 साल का रतन 18 साल की दिया से शादी करता है। अब चाहे इनके प्लॉट के मुताबिक ये शादी रतन को घर के दुश्मनों से बचाने के लिए हुई थी, लेकिन फिर उन दोनों की सुहागरात, ना मामला यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि आइए सीरियल के 2 और सीन्स को देखते हैं। एक 9 साल के बच्चे को 18 साल की इस लड़की पे क्रश आता है और वो उसे फॉलो तक करने लगता है, और तो और उसका क्रश इतना बढ़ जाता है कि लड़की को बिना पूछे वो दूध पीता बच्चा उसकी फोटोज लेता रहता है। सोचो, सिर्फ एक 9 साल का बच्चा जो बाकी बच्चों को ये सीख देता है कि बड़ी लड़कियों को बिना परमिशन ताड़ सकते हो। इस सीरियल के दूसरे सीन में दिया स्लो मोशन में रतन की बाहों में गिरती है, जिससे इन दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप का भी प्रदर्शन किया गया। अब जब कंटेंट ऐसा हो तो बैन तो लगेगा ही, राइट? वही हुआ। petition.org पे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन फाइल करके सीधा स्मृति ईरानी को भेज दिया और मेकर्स को भी इस शो पर ताला लगाना पड़ा। नंबर 5, तारक मेहता का गलत चश्मा। पिछले 1,19,610 मिनट 3,987 एपिसोड यानी 16 सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सबको ठीक 8:30 बजे खाना खिला रहा है, और इस सीरियल का नाम आते ही उसके आदर्शवादी कैरेक्टर से याद आते हैं, राइट? जिसमें जेठालाल का
हर बात पे बापू जी के पैर छूना, एक अच्छा पिता होना और सर्व गुण संपन्न बिजनेसमैन होना सबके दिल को छू गया। लेकिन एक आदर्श पति होने का क्या? चाहे शो ने जेठालाल को अपनी पत्नी के साथ मजाक मस्ती करते दिखाया, पर जब वो नशे में होता है तो सिर्फ बबीता जी का नाम जपता है। बबीता जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी। इतना ही नहीं, कॉमेडी के नाम पर जेठालाल का हर वक्त दया को ताना देना भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस का प्रचार होना ही दर्शाता है। इस सब के बाद भी दया कहती है कि उनकी डांट में भी मेरे लिए प्यार छुपा हुआ है। मगर इस सीरियल में सिर्फ जेठालाल का ही नहीं, लेकिन पोपट लाल का हर दूसरी लड़की पे लाइन मारना। आज तो तीनों मैडम मस्त तैयार हो के आई है, चले पिक्चर देखने। अय्यर को अपने काले रंग की वजह से परेशान करना और मोटेपन की वजह से करेक्टर्स के नाम हाथी भाई रखना भी एक बड़ी समस्या है। आते आते। तो अगली बार इस सीरियल को देखने से पहले फैक्ट भाई की ये जानकारी जरूर याद रखना। नंबर 6, घर पे नहीं है। बचपन से सुना है कि चोरी करना पाप है, पर अगर वही चोरी कोई दरोगा करे तो तब भी ये पाप ही होगा। लेकिन ऐसा करने वाला किरदार आज भाभी जी घर पे है सीरियल में बहुत फेमस हो चुका है। और तो और, ये किरदार इतना फेमस हुआ कि इसका एक अलग से शो तक निकाला गया। इसके अलावा शो के टीका, मलखान और टिल्लू हमेशा लोगों को ठगने की, लूटने की और किडनैप करने की साजिश रचते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सड़कों पे बैठकर लड़कियां तक छेड़ते हैं। लेकिन छेड़ने का इल्जाम तो इस शो के लीड कैरेक्टर्स पे भी लगा है। हालांकि दोनों ही कैरेक्टर्स की शादी हो चुकी है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे की पत्नी को छेड़ते हैं। शायद शो में दिखाया हुआ ये कल्चर इतना टॉक्सिक था कि शो की अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे ने शो ही छोड़ दिया। उनका कहना था कि शो के मेकर्स उन्हें मेंटली हैरेस कर रहे थे। वैसे ही शो की गुलफाम कली यानी फागुनी रजनी ने भी शो छोड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लोग कोई दूसरे किरदार में देखना ही नहीं चाहते थे। तो क्या एज ऑडियंस हमें एक्टर्स को दूसरे रोल करने का मौका देना चाहिए? नंबर 7, अनुपमा। इस बेचारी महिला पर किसे तरस नहीं आता, मगर कभी कभी वो जिसे डांट रही है उस पे भी तरस आ जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि पहले दबके रहने वाली अनुपमा अब अपने उसूलों के हिसाब से जीती है और उसने अपने साथ इस सफर में पूरे भारत को जोड़ लिया। एक सर्वे के मुताबिक 5 में से 3 घर अनुपमा देखते हैं, जिसके साथ इसकी व्यूअरशिप 24.80 करोड़ हो गई है। पर लोगों के बीच मचा रहे शो ने कुछ गलत मुद्दों पर भी बात कर दी। जैसे शो में जब टोशु अपनी बीवी पे चीट करता है तो बजाय माफी टोशु ने किंजल को धमकी दे डाली, जो कुछ भी करना है ना कर लो। और तो और, इस पर उसकी दादी का भी सपोर्ट है। वहीं आपको शो में बार बार दिखेगा कि कैसे अनुपमा के बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। अब अगर बाप ही ऐसा हो तो बच्चों का क्या कसूर, क्योंकि वनराज भाई साहब ने तो अनुपमा के चरित्र पे ही सवाल उठा दिया था, वो भी खुद की दूसरी शादी होने के बाद। समस्या से भरी पड़ी इस सीरियल में अगर कुछ अच्छा है तो अनुपमा के लेक्चर्स, लेकिन अब तो वो भी पुराने लगने लगे हैं। नंबर 8, मीठी इमली। घर वाली बार वाली तो सुना था, लेकिन इमली सीरियल ने तो दोनों को ही एक छत के नीचे ला दिया। इस सीरियल की कहानी शुरू होती है एक गांव की लड़की से और बताया जाता है कि कैसे उसकी शादी शहर के एक लड़के से हो जाती है। मगर ट्विस्ट के नाम पे उन्होंने लड़के को ऑलरेडी एंगेज्ड घोषित किया। और जब इमली हीरो के साथ उसके घर जाती है तो उसे एक नौकरानी कहकर लाया जाता है। यानी घर वाले भी खुश, मंगेतर भी खुश और सीरियल का मेन हीरो तो वैसे ही मजे में है। लेकिन फोर्स मैरिज का प्रचार कर रहा है ये शो असल में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए था, मगर सीरियल में इसकी कोई भी बात नहीं की गई। इनफैक्ट 500 एपिसोड के बाद इमली शो का हीरो और उसकी मंगेतर तीनों को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरते हुए दिखाया। फिर क्या, वही सेकंड जनरेशन की कहानी। पर अगर आप सोच रहे हो कि अपनी पत्नी को काम वाली के रूप में रखना, एक लव ट्रायंगल दिखाना और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं देना खुद मेकर्स का आइडिया है तो आप गलत हो। असल में इमली बंगाली सीरियल इस्टी कुटुम का रीमेक है, यानी ऑडियंस को हर लैंग्वेज में मामू ही बनाया गया। तो भाई लोग, ये थे वो हिंदी टीवी सीरियल्स जो आपको गलत चीज सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके जानो कि क्यों 90s के मशहूर टीवी शोज बंद हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।